हेलो एवरीवन वेलकम टू लाइव एंड एजुकेशन ये वीडियो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एयर है तो आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन नहीं है ठीक है तो ये सही होगा ओजोन और मीथेन ये दोनों हैं फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्वेश्चन नंबर टू गैस लीक इन भोपाल ट्रेजेडी वाज भोपाल ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी वो क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट है है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंक्रीज द लेवल ऑफ मीथेन एंड बिल्कुल सही वाटर वेपर इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस ये तो है ना दोस्त ऑप्शन नंबर डी डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हाँ बिल्कुल सही तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा सी क्वेश्चन नंबर फोर गैस विच मेक्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिटुएंट ऑफ आर एटमोसफियर वो गैस जो लार्जेस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ एटमोस्फेयर बनाती है वो क्या है नाइट्रोजन है कितना परसेंट होती है 78 होती है ठीक है क्वेश्चन नंबर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोलूशन इन मेट्रोपोलिटन सिटी इज तो मेट्रोपोलिटन सिटीज में सबसे बड़ा सोर्स एयर पोल्यूशन का क्या होती है ऑटोमोबाइल तो होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स डेज इज अ बेसल पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर तो वो है ट्रोपोस्फियर क्वेश्चन नंबर सेन वन ऑफ द प्राइमरी एयर पोलूटेंट इज तो इनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पोलूटेंट है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन नंबर एट ट्रैपिंग ऑफ स्कै हीट रेडिएटेड बाय अर्थ इज तो जो जो भी हीट हो रही है उसको ट्रेप जो होता है उसको होता जो रेडिएट से होती है आर से उसे क्या कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस आर तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन से गैसेस हैं तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और वाटर पेपर यानी डी सही होगा क्वेश्चन नंबर टेन व्हीच ऑफ दॉक्सिज गैस तो इनमें से कौन सा गैस नहीं है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर अलेवन व्हीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फल्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फल्स है तो आइए देखते हैं एयर पोल्यूशन कर्जे स्टंटेड प्लांट ग्रोथ प्लांट ग्रोथ को कमा देता है तो वो बिल्कुल सही है इंक्रीज इन सॉइल एसिडिटी एंड कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल इज द रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हाँ बिल्कुल सही है एयर पोल्यूशन डज नॉट इंक्रीज सॉयल एसिडिटी ये गलत है ना दोस्त डी एयर पोल्यूशन काज ग्लोबल वार्मिंग यानी ये सही है तो क्या होगा इसका उत्तर सही सी होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बॉर्न डिजीजेज आर एयर बॉर्न डिजीजे क्या क्या होती हैं तो मलेरिया फिलेरिया बिल्कुल नहीं होती हैं जंडिस एंड एंडकोलेरा ये भी नहीं होती हैं आजमा पॉम्काइटिस हाँ ये होती है स और टाइफॉइड ये भी एयरबोन नहीं होती हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन द अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन इन द एस्टेटोस्फेयर आर एबजॉर्ब बाय तो जो भी अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन एस्टेटोस्फेयर में आती है वो का, वो कहाब हो जाती है किससे हो जाती है ओजोन से सेब हो जाती है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दल्टीट्यूड बेउ विच कंपोजिशन ऑफ एयर चेंजेस इज वह कौन सा एल्टीट्यूड होता है जहाँ से जो कंपोजिशन ऑफ एयर होती है वो चेंज होने लगती है तो वो होती है टेन किलोमीटर के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डेइस ऑन इनहलेशन डिजोल्व इन द ब्लड हेमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन तो वो कौन सा चीज है जो गैस है जो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हेमोग्लोबिन है, को तेजी से डिजोल्व करती है तो वो है दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज एयर पॉल्यूशन तो इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन डिक्रीज नहीं करता है तो क्या है यूज ऑफ वाटर बेस्ड पेंट इंस्टीट ऑफ वर्निशिस ठीक है तो ये तो करेगा भैया हाँ ये करेगा कंपोस्टिंग, हाँ ये भी करेगा रीयूजिंग पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स हाँ बिल्कुल डिक्रीज करेगा ओवर car नहीं, नहीं ये आप लोग को बताए थे कि कार पुल में चलना चाहिए पर्सनल व्हीकल को यूज नहीं करना चाहिए ठीक है ताकि हम लोग एयर पोल्यूशन को डिक्रीज कर सके तो उत्तर क्या होगा डी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑटोमोबाइल एड्जस्ट कंसिस्ट ऑफ जो ऑटोमोबाइल से निकलती है गैसेस वो क्या क्या होती है तो वो होती है हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड तो सही दोस्त उत्तर क्या होगा बी क्वेश्चन नंबर 18 फोटोकेमिकल स्मोग इज जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो क्या है वो फाउंड इन एग्जोस्फेयर क्या एग्जोस्फेयर में पाई जाती है कंस्टिट्यूट ऑफ रेन क्या वो रेन है ये प्राइमरी पोलूटेंट है या फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है तो ये क्या होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा ताजमहल इज थ्री ड्यू टू ताजमहल क्यों ट्रीटेंट है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रेन में आजकल आ रही है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है सल्फर डाइऑक्साइड वेन कंबाइंड विथ रेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन ठीक है हाँ तो ये सही है ये तो बिल्कुल सही है और आगे देख लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन इज फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ प्लास्टिक नहीं बिल्कुल नहीं ऑक्सीजन इज ए ग्रीन हाउस गैस नहीं बिल्कुल नहीं है एरोजल स्प्रे लिमिट एयर पोल्यूशन नहीं ये तो बढ़ाती है ठीक है तो ये भी नहीं होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ओजोन लेयर आकर्स इन ओजोन लेयर कहाँ होती है तो ये सभी को पता है स्टेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर इज बिंग डिप्लेटेड बाय तो ओजोन लेयर किसे डिप्लेट हो रही है तो वो हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि एक साथ ही हम चेंजेस ला सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिस इज राहुल शर्मा साइनिंग ऑफ